महिलाएं मनरेगा के तहत मजदूरी के काम से जुड़ रही हैं, जिससे महिलाओं की आय बढ़ी है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महिलाओं की आय को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मनरेगा के तहत हो रहे कामों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है और महिलाओं की आय भी बढ़ रही है। पहले जहां काम के लिए महिलाओं को गांव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब मनरेगा के तहत महिलाओं को उनके ही गांव में काम मिल रहा है, जिससे महिलाओं का रुझान बढ़ा है और मनरेगा से जुड़कर महिलाएं अच्छा खासा पैसा भी कमा रही हैं। दूरी मिल रहा है, उसको हम लोग बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए, अपने गोदी खनते हैं और हाजिरी लगता है तो हाजिरी भी करते हैं और घर का पैसा मिलता है, इसमें घर का वो चीज चलाते हैं, हल्दी नून तेल चलाते हैं और बच्चे लोग का कपड़ा लगता, स्कूल का फीस भरना पड़ता है, उसको भरते हैं। जैसे कि हमारे गांव में जैसे मनरेगा काम खुली से, तो एक मतलब का है कि बाहर जाए का जरूरत नहीं पड़े, काहे कि गांव घर का मतलब हर व्यक्ति मतलब मजदूर का काम कर सकते हैं और अपन रोजी रोटी चला सकते हैं, ताकि बाहर जाए का मतलब जरूरत नहीं पड़े। गांव में बहुत फायदा है, जैसे कि हर व्यक्ति मतलब कर सकते हैं। वीक में पर थे टाइम ऊपर आ जाती, टाइम ऊपर जाए रहता, पैसा मिलते और लड़का मन पालन पोषण करती, और अगला काम आउ धान उन बीज ले लेती, तेकर अगले बढ़ाती, जीवन खान करती सब पूरा परिवार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में प्रदेश में मनरेगा का कुशल क्रियान्वयन हो रहा है। कोरिया जिला पंचायत के 5 विकास खंडों में मनरेगा के तहत 2,23,000 श्रमिक हैं। 1,718 से ज्यादा जगहों पर काम चल रहा है, तो वहीं मनरेगा से जुड़कर 1,200 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। जो मनरेगा योजना है, अपने निकट के क्षेत्र में अकुशल रोजगार प्रोवाइड करने की योजना है। कोरिया जिले में विशेष तौर पर हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, और महिलाओं की भागीदारी आप देख रहे हैं कि आउटकम्स में भी महिलाओं की भागीदारी हर स्तर पर बढ़ रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिलाओं का जीवन स्तर सुधर रहा है, और कहा जाता है अगर एक महिला का जीवन स्तर सुधरता है तो पूरे परिवार का जीवन स्तर भी सुधरती है। समाज में परिवार में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं और उनकी जो भूमिका है और सशक्त होगी आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से। प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं की आमदनी बढ़ने से उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आया है, और प्रदेश की महिलाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।